तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस आज की वाली वीडियो एकदम लल्लन टॉप होने वाली है। भाई साहब, कुछ दिनों पहले हमारी एक वॉर हुई थी मार्कोस गेमिंग के साथ एंड हम लोग इस वॉर को जीत गए थे। भाई मार्कोस गेमिंग यानी कि इंडियन क्लैशर को इंडिया में कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बेस्ट टीम फ्रॉम इंडिया एंड एकमात्र ऐसी इंडियन टीम है जिसने की वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट किया था एंड सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं बल्कि वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। फिलहाल गाइज हम लोग इस वॉर की बात कर लेते हैं। एंड गाइज ये वॉर कोई प्रैक्टिस मैच नहीं था, ये लीग वॉर थी एंड इस लीग का नाम था शायद LIC, कुछ ऐसे ही नाम था एंड ये अपना राउंड नंबर 3 था। तो भाई हम लोग इस वॉर को जीत चुके हैं हमारे 13 स्टार से यहाँ पे एंड उन लोगों के 11। भाई हम लोगों ने यहाँ पे 3 बेसिस को 3 स्टार निकाला है एंड गाइज क्या आप लोग बिलीव करोगे अगर मैं बोलूं कि ये तीनों के तीनों बेसिस एक ही स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे 3 स्टार निकले हैं। ऑफ कोर्स यार आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने जो बोल दिया है। वैसे सच में करते हो क्या मेरा बिलीव? अगर नहीं भी करते होंगे तो भाई मैं कौन सा आपको कुछ उखाड़ लूंगा। खैर छोड़ो भाई। फिलहाल हम लोग इस स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। भाई ये स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि किसी भी टनल 13 के बेस को यहाँ पे 3 स्टार निकाल सकती है अगर आप लोग सही से अटैक करो तो। एंड हाँ, इस स्ट्रेटेजी को यूज करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल आप लोगों को यहाँ पे बस स्पैमिंग करनी है भाई, बाकी वो बेस कब 3 स्टार निकल जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सो गाइज अभी हम लोग इससे पहले की वॉर अटैक्स देखें, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने को 7000 सब्सक्राइबर और चाहिए 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन दबाने से बंदा चैनल पे फर्स्ट आता है। एंड हाँ, कमेंट कर देना क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग ने इस वॉर की ना शुरू से बात करेंगे कौन सबसे पहले अटैक गया एंड कौन बाद में गया। तो भाई पहला अटैक हुआ था हमारी तरफ से एंड हमारी तरफ से सबसे पहले अटैक गया था गोहिल गया था भाई नंबर 5 के ऊपर अटैक करने। एंड आर्मी देखो भाई यहाँ पे गोहिल ने यहाँ पे 14 इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स को यूज किया था, ओह माय गॉड, एंड 7 स्केलेटन स्पेल्स भी यहाँ पे। एक रेज है क्योंकि वो यहाँ पे बैट अब्लिम को यूज करने वाला है टाउन हॉल को डाउन करने के लिए एंड वहां पे वो रेज को भी यूज करेगा। सो सबसे पहले उसने यहाँ पे गेटी को डाल दिया फन क्रिएट करने के लिए, एक इन्फर्नो बेबी ड्रैगन इस तरफ आ गया, किंग एंड क्वीन को यहाँ पे डाल देगा, सारे के सारे बेबी इन्फर्नो ड्रैगन्स को उसने यहाँ पे स्पैम कर दिया, पीछे से वार्डन आ गया एंड स्केलेटन्स को वो यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा है कि सामने जो डिफेंसिस है ना वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं स्केलीज के ऊपर एंड अपने इन्फर्नो ड्रैगन्स को ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आए ना। एंड रेज की भाई जो यहाँ पे पोजीशन थी काबिले तारीफ, मजा आ गया भाई। एंड इस तरफ किंग एंड क्वीन ने भाई साहब क्या ही वैल्यू निकाली है, मतलब इस वाले स्केलेटन शॉट को यहाँ पे डाउन कर लिया किंग एंड क्वीन ने एंड एक कोर डिफेंस यहाँ पे क्वीन डाउन कर लेगी। एंड भाई साहब अभी उसके पास देखो 2 फ्रीज बची हुई है, पॉइजन स्पेल बची हुई है, स्केलेटन स्पेल बची हुई है एंड रॉयल चैंपियन बची हुई है। भाई इन सब चीजों को वो यहाँ पे स्वैग करने वाला है, इवन यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी को भी यूज नहीं करेगा। एंड अभी भी गाइस यहाँ पे बहुत सारे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स बचे हुए थे। तो भाई ये था हमारी तरफ से पहला अटैक, हम लोग ने यहाँ पे 3 स्टार निकाल लिया एंड पहला ये अटैक अगर 3 स्टार निकल जाए ना तो भाई टीम को काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। लेकिन अब बारी थी भाई अटैक करने की मार्कोस गेमिंग यानी कि इंडियन क्लैशर की एंड उन लोगों ने पहला अटैक किया गोहिल के ऊपर एंड उन लोगों ने भी अपना पहला अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकाल दिया। भाई नहले पे दैला मार दिया उन लोगों ने एंड वो यहाँ पे यूज कर रहा है जैप लालो। एंड ये बंदा यहाँ पे जैप कहाँ यूज करेगा, लाइटिंग स्पेल ओके, एक स्कैटर शॉट को डाउन कर दिया, रॉयल चैंपियन को डाउन कर दिया, एयर स्वीपर को डाउन कर दिया एंड एक्स लोग को डाउन कर दिया। फाइनल यहाँ पे बन चुका है, किंग को यहाँ पे डाल दिया, आइस गोलम भी यहाँ पे आ चुका है, क्वीन को डालेगा क्या, ओके क्वीन को भी यहीं पे डाल दिया, सीसी यहाँ पे निकल जाएगा, पॉइजन आ चुकी है एंड एक हेड हंटर को भी डाल दिया, ओके टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो चुका है, लावा यहाँ पे फूट जाएगा, किंग डाउन हो गया। भाई अभी इसके पास क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, ओके एबिलिटी यूज कर दी, अभी देखते हैं लालो किस तरह से स्टार्ट करेगा ये बंदा। ओके ये बंदा यहाँ पे आई साउंड को यूज कर रहा है एंड इस तरफ से लालो स्टार्ट कर दिया, सामने क्वीन है, वार्डन की एबिलिटी यूज कर दी एंड हेड हंटर्स यहाँ पे डाउन कर लेंगे क्वीन को, स्टोन स्लैमर को इस बंदे ने यहाँ पे यूज किया है। भाई कुछ बचा ही नहीं है यार बेस के ऊपर, एक फ्रीज अभी बची हुई है इस बंदे के पास एंड लूंस देखो भाई कितने सारे लूंस हैं, स्टोन स्लैमर तो अभी फूटा ही नहीं है। भाई साहब ये अटैक भी बहुत ज्यादा ओपी था, लेकिन गोहिल का जो अटैक था ना वो नेक्स्ट लेवल था क्योंकि उसने वहां पे रॉयल चैंपियन को यूज किया ही नहीं, क्वीन की एबिलिटी को यूज नहीं किया,
चार स्पेल को वहां पे स्वैग कर दिया। तो भाई दोनों तरफ से यहां पे पहला अटैक त्रिशा निकल चुका है। उसके बाद हमारी तरफ से दीप जाता है अटैक के ऊपर नंबर थ्री के ऊपर, एंड दीप निकालते हैं यहाँ पे 75% भाई डिस्ट्रक्शन यहाँ पे काफी कम निकालते हैं दीप। देन उसके बाद उनकी तरफ से अटैक होता है एंड नहीं विनी के ऊपर नहीं, हाँ दीप के ऊपर होता है भाई अटैक, एंड ड्रैग अटैक करता है सेकंड अटैक उनकी तरफ से 98% निकालता है भाई ये बंदा, एंड टाइम फेल हो जाता है इनका अटैक यहाँ पे, वरना ये बेस यहाँ पे त्रिशा निकल जाता। किस्मत भाई किस्मत हमारे साथ ही अभी तक, लेकिन वो लोग अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में लीड कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमारी तरफ से तीसरा अटैक करता है एंडी जट यानी कि विनय, भाई विनय यहाँ पे निकालता है 89%। हमारे गाइज अभी तक यहाँ पे तीन अटैक्स में 7 स्टार हो चुके हैं, एंड उन लोगों के 2 अटैक्स में 5 स्टार है, लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे काफी अच्छी है। देन उसके बाद उनकी तरफ से अटैक होता है सीरियल किलर का, गोहिल के ऊपर अटैक करते हैं 86% निकालता है, एंड डिस्ट्रक्शन काफी अच्छे निकालता है ये बंदा भी। एंड अभी तक इंडियन क्लैशर लीड कर रही है डिस्ट्रक्शन से, एंड अभी बारी आती है हमारी तरफ से सेकंड लास्ट अटैक की, एंड मैं यहाँ पे अटैक करता हूँ सीरियल किलर के ऊपर। एंड भाई आर्मी देखो यार आप लोग यहाँ पे 14 इन्फर्नोस बेबी ड्रैगन है, एंड 8 यहाँ पे स्केलेटन स्पेल यूज कर रहा हूँ मैं, 4 यहाँ पे फ्रीज है, 1 पॉइजन है। भाई सबसे पहले मैं इस तरफ फीएटी डालता हूँ फोन क्रिएट करने के लिए, एक विजार्ड भी डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक मिनी ने रहता है, 2 सुपर गोब्लिन आते हैं जो कि इस तरफ फन क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फनल बन जाता है मैं कुछ यहाँ पे लूंस को डालता हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि यहाँ पे ब्लैक एयर माइन ना निकले। यहाँ पे एक टेस्ला निकल जाता है, सारे के सारे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स आ जाते हैं, यहाँ पे वार्डन आ जाता है पीछे से, एंड यहाँ पे मैं 3 स्केलेटन स्पेल को डाल देता हूँ, ताकि सामने के जितने भी डिफेंसिस है ना वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाए स्केलिस के ऊपर। एंड अभी यहाँ पे सामने अपन का किंग था, तो एक स्केलेटन स्पेल मैंने यहाँ पे डाल दी ताकि किंग यहाँ पे बिजी रहे। टाउन हॉल को मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ, एंड किंग एंड क्वीन को ना मैं इस तरफ डालता हूँ, लेकिन काफी लेट कर देता हूँ। अभी मैं लेट क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो भाई टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो गया, एंड इस वाले स्कैटर शॉट को ना मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ, ताकि ये जो लूंस है ना ये स्कैटर शॉट तक पहुंच जाए। एंड एक स्केलेटन स्पेल मैं रॉयल चैंपियन के आगे डाल देता हूँ अपोनेंट की। अभी गाइज मैंने ऐसा क्यों बोला था कि मैंने किंग एंड क्वीन को काफी लेट डाला, देख सकते हो भाई जितने भी इन्फर्नो बेबी ड्रैगन है ना वो बाहर की तरफ भटक रहे हैं धीरे धीरे। इस तरह मैं अपनी रॉयल चैंपियन को डाल देता हूँ, एंड अपोनेंट की रॉयल चैंपियन के ऊपर डाल देता हूँ मैं पॉइजन स्पेल, एंड यहाँ पे मुझे फ्रीज करना पड़ता है भाई रॉयल चैंपियन को भी एंड मल्टी टारगेटेड इन्फर्नो को भी, एंड रॉयल चैंपियन मल्टी टारगेट इन्फर्नो को भी यहाँ पे डाउन कर लेती है। भाई अभी तक हमारे पास ना बहुत सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं, लेकिन भाई साहब ये अकेला स्कैटर शॉट हमारे सारे के सारे ट्रूप्स को यहाँ पे खा जाएगा। एक इन्फर्नो बेबी ड्रैगन बचा हुआ है जिसको ले गया ये ब्लैक एयर माइन, एंड यहाँ पे डबल जैंट बॉम्ब निकल जाते हैं। हमारी क्वीन भी यहाँ पे डाउन हो चुकी है, एक अकेला किंग यहाँ पे बचा है, एंड किंग चला जाता है भाई स्कैटर शॉट की रेंज के अंदर। भाई साहब मरते मरते ये अटैक यहाँ पे त्रिशा निकला, एंड अभी ना हमारे पास लीड आ चुकी है। हम लोगों के 4 अटैक्स में 10 स्टार हो चुके हैं, उनके 3 में 7 है, एंड उनका 4th अटैक भी यहाँ पे फेल हो जाता है 85% के ऊपर मेरे बेस के ऊपर। एंड अभी हम लोग 1 स्टार की लीड में आ चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन से अभी भी वो लोग हमसे आगे हैं। एंड अभी बारी आती है भाई हमारी तरफ से फाइनल एंड लास्ट अटैक की, जो कि फिर से गोहिल करता है नंबर 1 के ऊपर, ड्रैग के ऊपर अटैक करता है, एंड सेम वही आर्मी भाई गोहिल फिर से यूज करता है। देख सकते हो भाई 14 इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स, 5 स्केलेटन है, 2 लाइटिंग स्पेल है जिससे कि वो इस वाले एयर स्वीपर को डाउन करने वाला है। ठीक है गाइस, सो अभी हम लोग इस अटैक को ना 2x कर लेते हैं, ताकि फटाफट से हम लोग देख पाए कि उसने यहाँ पे क्या किया था। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक स्निकी गोल्फिन डाला, फिर एक बैलून डाल दिया जिससे कि मोटार को डाउन कर लिया। अभी वो क्या करेगा, किंग एंड क्वीन को ना अंदर की तरफ घुसाएगा ताकि ये वाली इगलाटी यहाँ पे डाउन हो जाए। बाकी उस तरफ फनल बन चुका है भाई, सारे के सारे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स को डाल दिया, बैलून्स को डाल दिया, स्टोन स्लैमर को डाल दिया, वार्डन यहाँ पे आ चुका है, एंड स्केलिस को यहाँ पे वो डाल रहा है स्कैटर शॉट के सामने, ताकि स्कैटर शॉट यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट रहे स्केलिस के ऊपर, एंड अपने इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स को ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आए ना। एंड पॉइजन उसने यहाँ पे लावा पफ्स के ऊपर नहीं बल्कि अपन की क्वीन के ऊपर डाला है, एंड ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस अटैक में। फ्रीज कर दिया भाई, फ्रीज से थोड़ा सा यहाँ पे मैचअप हो गया था, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड इस तरह ये वाला सिंगल डाइन इन्फर्नो भी डाउन हो गया, एंड अभी भी भाई बेस के ऊपर ना बहुत सारे इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स बचे हुए हैं। कितने हैं भाई, 5,
हाँ भाई, 5 इन्फर्नो बेबी ड्रैगन सभी बचे हुए हैं। एंड इस तरह से गोहिल ने लास्ट वाले अटैक को त्रिशा निकाल के हमारी जीत यहाँ पे निश्चित कर दी। भाई अगर वो अपना लास्ट अटैक यहाँ पे त्रिशा निकाल भी लेते हैं तब भी हम लोग इस वॉर को जीत जाएंगे। एंड उनका लास्ट अटैक यहाँ पे फेल हो जाता है 96% पे। भाई अगर उनका लास्ट अटैक यहाँ पे त्रिशा निकल जाता है एंड हमारा लास्ट अटैक यहाँ पे फेल हो जाता तो हम लोग इस वॉर को हार जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना डिस्ट्रक्शन से हमसे काफी ज्यादा आगे थे। लेकिन भाई ये आर्मी कॉम्बो है ही इतना पावरफुल कि उनके 3 बेसिस को यहाँ पे हम लोग ने त्रिशा निकाल दिया। 2 बेस यहाँ पे जो बचे थे अगर हम लोग उन पे भी यही स्ट्रेटेजी यूज करते तो मैं भी शायद वो दोनों भी यहाँ पे त्रिशा निकल जाते। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मी है, एक बार जू यूज करना, मैं गारंटी लेता हूँ भाई आप लोग आसानी से त्रिशा निकाल लोगे। फिलहाल गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 1% भी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपने को फटाफट से 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे क्लिप में, तब तक के लिए सायोनारा।